आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। आज मैं आपके लिए तीन चीजें लाया हूं। कबाब में हड्डी होना जैसे खाने में कंकड़ का आ जाना, ए पेबल इन द पुडिंग, ये भी इसकी अंग्रेजी होती है। एक पेबल, पेबल माने कंकड़, पुडिंग खाने में, खाने में कंकड़ का आ जाना, कबाब में हड्डी होना रंग में भंग डालने वाला। आप कोई काम कर रहे हैं उसमें रंग में भंग डालने वाला कोई आ जाए उसको कहेंगे ए थॉर्न इन द फ्लैश या ए पेबल इन द पुडिंग। देखें कैसे इसका यूज होगा। द गर्ल्स फादर या ब्रदर, लड़की का पिता या भाई, इज ए थॉर्न इन द फ्लैश, रंग में भंग डालने वाला है, कबाब में हड्डी है लड़की का भाई या कह सकते हैं लड़की का पिता। अब देखें दूसरों से दान मांगना, हेट माने होता है टोप, पास राउंड इधर उधर घुमाना, भाई लाओ कोई दे दो, कोई भगवान के नाम पे दे दो, दान मांगना, पास राउंड द हेट इसकी अंग्रेजी हुई। दूसरों से दान मांगते रहना, दान मांगना। ही ऑलवेज, अब इसका यूज देखें, ही ऑलवेज पासेज राउंड द हेट, वो हमेशा दूसरों से दान मांगता रहता है, तुम दे दो तुम दे दो तुम दे दो। अब देखें मन या दिमाग से कोई बात निकलना या निकालना, दोनों की अंग्रेजी यही आएगी, पास आउट ऑफ माइंड, इट पास्ड आउट ऑफ माई माइंड, अरे यार ये तो मेरे दिमाग से ही निकल गई, तुमने बताया तो था लेकिन भैया भूल गया मैं, भूलना या भुलाना दोनों इसकी हिंदी हुई, मेरे दिमाग से मैं भूल गया भैया, मेरे दिमाग से ही निकल गई, इट पास्ड आउट ऑफ माई माइंड, योर केस पास्ड आउट ऑफ माई माइंड, योर मैटर पास्ड आउट ऑफ माई माइंड, इट पास्ड आउट ऑफ माई माइंड, अरे यार ये तो बात मेरे दिमाग से निकल गई। आई वॉन्ट टू पास हर लव, या हर केवल कह सकते, मैं उसे अपने दिमाग से उस लड़की को निकाल देना चाहता हूँ, या उसके प्यार को मैं अपने दिमाग से भुला देना चाहता हूँ, निकाल देना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू पास हर लव, मैं उसका प्यार भूल जाना चाहता हूँ, आउट ऑफ माई माइंड, मैं उसके प्यार को भुला देना चाहता हूँ या अपने दिमाग से निकाल देना चाहता हूँ, अपने दिल मन से निकाल देना चाहता हूँ। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।